2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस के तमाम नेता फूले नहीं समा रहे। वहीं अगर हम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें तो उनकी तो पोबारा होती हुई नजर आ रही है। लगातार वो परिणाम देखकर गदगद महसूस कर रहे हैं। हो भी क्यों ना, क्योंकि चुनाव परिणाम से पहले किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि कांग्रेस पार्टी का ग्राफ इतना बढ़ जाएगा। हम आपको बता दें कि इस चुनाव में एक और बात जो हरियाणा कांग्रेस के लिए बेहद संतुष्टिपूर्ण रही, 10 के 10 लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस को मिलने वाले वोट में जबरदस्त इजाफा हुआ और भाजपा के वोट में जबरदस्त गिरावट आई। यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी के जो तमाम बड़े चेहरे हैं और खासकर जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गुट है वो गदगद नजर आ रहा है। आइए अब 2019 के चुनाव के मुकाबले आपको एक एक लोकसभा क्षेत्र के बारे में वोट प्रतिशत की जानकारी देते हैं। बिंदास हरियाणा की स्क्रीन पर सबसे पहले आप देख सकते हैं अंबाला लोकसभा क्षेत्र की जानकारी। जी हां, अंबाला लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस को 18.6% अधिक वोट मिले हैं और भाजपा को 11.1% कम वोट मिले हैं। जो नेता लाखों के मार्जिन से जीत का दावा कर रहे थे वहां पर कांग्रेस पार्टी को 18.6% अधिक वोट मिलने से एक तरफ जहां 2024 के विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ा फायदा कांग्रेस पार्टी को होगा, वहीं बीजेपी को भी जोर का झटका धीरे से लगा है। उसके बाद अगर हम भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट की बात करें तो बिंदास हरियाणा की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि इस सीट पर कांग्रेस को 21% अधिक वोट मिले हैं जबकि भाजपा को 13.8% कम वोट मिले हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का ग्राफ बढ़ा है। भले ही राव दान सिंह यहाँ से चुनाव न जीत पाए हों लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा के उम्मीदवार रहे राव दान सिंह ने यहाँ पर भी कमाल कर दिखाया और 21% वोट के ग्राफ को बढ़ा दिया। वहीं अगर हम फरीदाबाद लोकसभा सीट की बात करें तो फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस को 20.03% अधिक वोट मिले हैं जबकि भाजपा को 15.1% कम वोट मिले हैं। जी हां, फरीदाबाद ये वही सीट है जहां पर जो नवनिर्वाचित सांसद है कृष्णपाल गुर्जर वो दावा करते थे कि 10 लाख वोटों से मैं जीत हासिल करूंगा जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। भले ही उन्होंने चुनाव में जीत हासिल कर ली हो लेकिन भाजपा को 15.1% का चूना लगा दिया और कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ने 20.3%, जी हां महेंद्र प्रताप सिंह जो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में उतरे थे, उन्होंने भले ही जीत हासिल न की हो, जीत उनके नसीब में न हो लेकिन पार्टी को 20.3% का इजाफा दिला दिया। वहीं गुरुग्राम लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस को 11.6% अधिक वोट मिले हैं जबकि भाजपा को 10.4% कम वोट मिले। जी हां, अगर हम बात करें यहां से बीजेपी के उम्मीदवार की, बीजेपी के उम्मीदवार जो कि कभी भी चुनाव में वोट मांगने के लिए घर घर नहीं जाते थे, इस बार वो घर घर भी गए और उसके बावजूद भी 10.4% वोट कम मिले। हालांकि गुरुग्राम लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार राज बब्बर को 11.6% अधिक वोट यहां पर कांग्रेस पार्टी के खाते में दिलाने का काम किया। वहीं अगर हम हिसार लोकसभा सीट की बात करें तो सबसे हॉट सीटों में शुमार थी और यहां से जयप्रकाश उर्फ जेपी जो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दाइना और बाइना हाथ कहे जाते हैं, यहां पर भी कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ा धमाका कर दिया। कहीं ना कहीं जयप्रकाश उर्फ जेपी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विश्वास पर खरा उतरते हुए सिक्सर मारा है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि हिसार लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस को 33% ज़्यादा वोट मिले हैं तो भाजपा को 7.9% कम वोट मिले हैं। वहीं अगर हम करनाल लोकसभा सीट की बात करें तो यहां पर भी कांग्रेस को 18% अधिक वोट मिले हैं। जी हाँ, करनाल लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो यहां पर बड़ी खबर निकल के आ रही है कि कांग्रेस के उम्मीदवार, जी हाँ, भले ही चुनाव हार गए हों, युवा उम्मीदवार थे और भले ही वो चुनाव हार गए हों लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा के उम्मीदवार ने, युवा उम्मीदवार ने 18
प्रतिशत अधिक वोट कांग्रेस पार्टी को दिलाने का काम किया है, जबकि भाजपा को 15.1% कम वोट मिले हैं। भले ही यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर चुनाव जीत गए हों, लाखों के मार्जन से उन्होंने जीत हासिल की हो, लेकिन भाजपा का जो वोट ग्राफ यहाँ पे है 15.1% गिरा है। वहीं अगर हम कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट की बात करें तो कांग्रेस को गठबंधन में 17.9% अधिक वोट मिले, जबकि भाजपा के उम्मीदवार को 11% कम वोट मिले हैं। जी हाँ, नवीन जिंदल को 11% कम वोट यहां पर मिले हैं। वहीं अगर हम रोहतक लोकसभा सीट की बात करें तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहां पर दीपेंद्र हुड्डा चुनावी मैदान में उतरे थे और उनको 16.4% वोट बढ़कर मिले हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को यहां पर भी बहुत बड़ा फायदा हुआ। और वहीं भाजपा के उम्मीदवार, जी हाँ, भाजपा के उम्मीदवार को 11.9% कम वोट मिले हैं। वहीं अगर हम सिरसा लोकसभा सीट की बात करें तो सिरसा लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस के 24.7% वोट बढ़े हैं तो भाजपा के 17.8% वोट कम हुए। जी हाँ, यही वजह है कि कुमारी शैलजा जो है वो लगातार अलग अलग प्रकार की बयानबाजी दे रही है और अपने आप को एक मजबूत नेता बताने का काम कर रही है। जी हाँ, हम आपको बताते हैं सिरसा लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस के 24.7% वोट बढ़े हैं तो भाजपा के 17.8% वोट कम हुए हैं। यहाँ पर भी हम आपको बता दें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से दावा किया गया है कि उनकी पार्टी के तमाम छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कार्यकर्ता ने कुमारी शैलजा के लिए एडी चोटी तक का जोर लगाया था और यही वजह है, उसी का परिणाम है कि 24.7% वोट वहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी को बढ़कर मिले हैं। वहीं अगर हम सोनीपत लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 11.4% वोट बड़े हैं तो भाजपा के 5.1% वोट कम हुए हैं। जी हाँ, हम आपको बता दें कि सत्यपाल ब्रह्मचारी ने 11.4% वोट कांग्रेस पार्टी के खाते में बढ़ाने का काम किया है। वहीं भाजपा के उम्मीदवार को 5.1% वोट कम हुए हैं। जी हाँ, ये तमाम जो आंकड़े हैं बिंदास हरियाणा की स्क्रीन पे हमने आपको दिखाए हैं, इन तमाम आंकड़ों को देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का क्या कुछ भविष्य रहने वाला है। हम आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के परिणाम से पहले या उम्मीदवारों को टिकट दिलाने से पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से ये दावा किया गया था कि जो उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरेंगे वो एक से एक मजबूत उम्मीदवार हैं और कहीं ना कहीं उनकी दावेदारी यहाँ पर साफ होती हुई नजर आई है। उनकी दावेदारी में मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है और तमाम कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों ने कांग्रेस के खाते में बहुत ज़्यादा मार्जिन बढ़ाकर कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथों को और ज़्यादा मजबूत करने का काम किया है और यही वजह है कि आने वाले 2024 के चुनाव परिणाम के बाद भी एक बार फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथों में कमान हरियाणा की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिंदास हरियाणा।